हेलो दोस्तों, वेलकम टू ए के स्टूडेंट्स। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हो कि आज आपके लिए एक नया लिखित मॉडल पेपर आपके बीच में लेके आया हूँ, जो भूगोल यानी कि बीए थर्ड ईयर के लिए है। पेपर फर्स्ट जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण आपका प्रश्न होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीज़ें आपको बताया जा रहा है। दोस्तों, आज का जो आपका पेपर है वो भौगोलिक विचारधाराएं यानी कि थर्ड ईयर के जो छात्र छात्राएं हैं यानी कि जो भूगोल ले रखे हैं उनके लिए आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभदायक क्लास होगा, जो कि आपके पेपर में से संबंधित होगा। और इसमें से आपको जो प्रश्न बताया जाएगा वो लगभग आपके पेपर में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो ये डे बाय डे आपका जो मॉडल पेपर तैयार किया जा रहा है, इसमें आपको सारे प्रश्न जो आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न होते हैं वही आपको बताया जाता है, ना कि आपको आप लोगों को अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बताया। इसके जो सॉल्यूशन बताया जाता है साथ में, इसको भी आपको समझने में थोड़े समझने के लिए पॉइंट बन जाता है कि हमें कहाँ कैसे कैसे पॉइंट यूज़ करना है। तो इस तरीके से आपका थोड़ा रिहर्सल हो जाता है और तैयारी भी हो जाती है। तो दोस्तों, बने रहे वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन आपको बार बार नहीं मिलने वाले हैं और जो भी आपको बताया जाएगा क्वेश्चन में वो आपको बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब बात करते हैं आपके फर्स्ट यानी कि क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, आपकी मॉडल पेपर की तरफ। तो दोस्तों, आज ये रहा आपका मॉडल पेपर, यानी कि कुछ इस तरीके से पेपर में आपको आपके आएगा, यानी कि आपका होगा बीए तृतीय वर्ष, यानी कि यहाँ पे आपका रहेगा भूगोल, या फिर आप इसको बोलेंगे इंग्लिश में तो जियोग्राफी बोलेंगे। 2022-23 के अंतर्गत जो आपके मॉडल पेपर बनेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका ये तैयार किया गया है। इसमें आपका प्रथम प्रश्न है जिसमें आपका होगा भौगोलिक विचारधारा, इसको हम इंग्लिश में अगर बात करें तो कहते हैं इसको कहेंगे हम जियोग्राफिकल थाट, यानी क्या कहेंगे इसको, जियोग्राफिकल थाट। पेपर फर्स्ट हो गया आपका, सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है और 550 शब्दों में आपको यहाँ पे लिखना है, यानी कि खंड आ के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो इस तरीके से आपका होगा। और बात करेंगे आपके, यानी कि यहाँ पे जो आपको 50 शब्दों में लिखना होगा। पहला क्वेश्चन का फर्स्ट आपका दे रखा है आर्यभट्ट का योगदान, यानी कि आर्यभट्ट जी का जो योगदान है उसके बारे में यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत आपको जो भी आता है वो लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से यहाँ पे बताएंगे और समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। अब आप लोग को सबसे बड़ी बात ये होगी कि सर आप इस तरीके से बताते हो, थोड़ा और अच्छे से बताओ। तो ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पे ज़रूर बताऊँगा और प्रयास भी करूँगा कि आप लोगों को समझ भी आए। बात करेंगे आपके अब टॉपिक की तरफ, यानी कि आर्यभट्ट का योगदान। इसका आप लोग आंसर लिखेंगे कि आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम बताया कि सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण पृथ्वी व चंद्रमा की छाया के द्वारा है, यानी कि आर्यभट्ट जी ने बताया यहाँ पे आपको कि जो सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण होता और उसका फिर जो सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण पृथ्वी व चंद्रमा की छाया के द्वारा होता है, जो सूर्य ग्रहण होता है या चंद्र ग्रहण जो होता है वो सूर्य या पृथ्वी के छाया के द्वारा होता है। इसने पाई का मान बताया, यानी कि जो पाई का मान है जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे 22/7, इसका पाई का मान बताया और पृथ्वी की परिधि का मान का अनुमान लगाया, यानी कि पृथ्वी का जो परिधि है उसका अनुमान लगाया। सूर्य स्थिर है तथा पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। इनकी प्रमुख रचना क्या है, आर्यभट्टियम। आर्यभट्ट जी का जो प्रमुख रचना क्या है वो उनके क्या है, आर्यभट्टियम है। क्या है दोस्तों, आर्यभट्टियम। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा आपके प्रश्न में भी पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर आपका है भारत में सर्वप्रथम प्रक्षेपित उपग्रह नामक भी आर्यभट्ट के नाम पर किया गया, यानी कि पहला जो उपग्रह गया उसको हम क्या कहते हैं, आर्यभट्ट के नाम से जाना जाता है। अब फिर आपका आता है दोस्तों कि सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है जिसके कारण क्या होता है, दिन व रात होती है। यानी कि आर्यभट्ट जी ने ही बताया कि पृथ्वी क्या है, अपने धुरी पर घूमती रहती है जिससे क्या होता है, दिन होते हैं और रात होते हैं, इंटरचेंज ऑफ डे नाइट। तो इस तरीके से आपका होता है। अब दूसरा क्वेश्चन आपका आता है ब्राह्मीर का योगदान, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका दूसरा भी है,
और ये क्वेश्चन आपके बार बार आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, वराह मिहिर का योगदान। इसमें आप लिखेंगे कि वराह मिहिर एक प्रसिद्ध खगोलवेत्ता थे, यानी क्या थे, ये खगोलवेत्ता थे। उन्होंने पंच सिद्धांतिका नामक खगोल की ग्रंथ में पांच पद्धतियों की व्याख्या की, यानी किसमें, पंच सिद्धांत की। कौन सी पुस्तक थी इनकी, वराह मिहिर जी की, ये इनकी जो पुस्तक की थी उनका उसका नाम था पंच सिद्धांत की नामक खगोल की ग्रंथ में पांच पद्धतियों की व्याख्या की। और खगोल की, भूगोल के गणित की प्रमुख सिद्धांत, नियम और प्रक्रियाएं उनके ग्रंथों में वर्णित है। यानी इन्होंने पारा, तेल तथा जल से घूमने वाले कुछ यंत्रों का वर्णन किया। इनके समय में चमत्कारी स्वयं चलने वाले यंत्र भी प्रयोग किए जाते थे। तो यानी कि वराह मिहिर का जो योगदान था, वो पहली बात तो आपको बताएं कि वराह मिहिर जो थे वो खगोलवेत्ता थे, यानी कि खगोल वैज्ञानिक थे वो। फिर उसके अंदर फिर इन्होंने ऐसा ऐसे सारी चीज़ें, जैसे इन्होंने पंच सिद्धांत का में इन्होंने अपनी योगदान दिया, यानी कि पांच सिद्धांतों में पांच पद्धतियों में व्याख्या की। और इन्होंने फिर गणित तथा भूगोल में सिद्धांत, नियम और प्रक्रियाएँ इनके ग्रंथों में क्या हुआ, उत्सर्जित है। फिर आपको पारा, तेल तथा जल से घूमने वाले कुछ यंत्रों का वर्णन किया है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको वराह मिहिर जी का योगदान के बारे में कहा। अब आप बात करेंगे आपके नव निश्चयवाद। तीसरा क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, क्या आता है, नव निश्चयवाद। नव निश्चयवाद में आपको क्या लिखना है, इसमें आपको नव निश्चयवाद में लिखना है कि यानी कि वर्तमान समय में भूगोलवेत्ता जिस विचारधारा को मानते हैं वह नव निश्चयवाद को, यानी कि नव निश्चयवाद की है। यानी कि अब बात करेंगे ग्रिफिथ टेलर, यानी कि ग्रिफिथ टेलर ने इसे वैज्ञानिक, यानी कि निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद बताया है। यानी कि क्या बताया उन्होंने, रुको या जाओ निश्चयवाद बताया है। नव निश्चयवाद की मान्यता है कि ना तो प्रकृति का ही मनुष्य पर पूरा नियंत्रण है और ना मनुष्य की ही प्रकृति पर विजेता है, यानी कि दोनों का एक दूसरे से क्रियात्मक संबंध है और मानव प्रोन्नति के लिए आवश्यक है कि मनुष्य प्रकृति का सहयोग प्राप्त करे। यही आपका नवनिश्चयवाद है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्या आता है, पुनर्जागरण काल। यानी कि पुनर्जागरण काल में आपको थोड़ा बहुत लिखना है। तो पुनर्जागरण काल के बारे में आपको हम बताएंगे जरूर। पुनर्जागरण में आपका दे रखा है, पुनर्जागरण में आपको लिखना है कि यूरोप से पूर्व मध्ययुग का उत्तरार्ध काल, यानी कि जो हमारे, यानी कि पुनर्जागरण काल में यूरोप से पूर्व मध्ययुग का उत्तरार्ध काल जो है वो जो बारहवीं से, यानी कि बारहवीं से पंद्रहवीं शताब्दी, यानी कि भौगोलिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। बारहवीं से पंद्रहवीं शताब्दी के, यानी कि बीच में जो महत्वपूर्ण विकास माना जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, पुनर्जागरण काल। यानी इस काल को, भूगोल को पुनर्जागरण भी काल कहा जाता है। इस काल को भूगोल के इतिहास में पुनर्जागृत काल भी कहा जाता है। इस काल को भूगोल के इतिहास में पुनर्जागरण अथवा तथ्य प्राप्त युग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये रहा आपका पुनर्जागरण काल। अब आपको बताएंगे क्षेत्रीय, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पांचवा आता है, क्षेत्रीय विभिन्नता के बारे में लिखिए, यानी कि क्षेत्रीय विभिन्नता की अवधारणा के बारे में बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके में पेपर के में बराबर पूछे जाते हैं। अब आप लिखेंगे दोस्तों क्षेत्रीय विभिन्नता की अवधारणा। क्षेत्रीय विभिन्नता की अवधारणा का विश्लेषण जर्मन भूगोलवेत्ता यानी हम्बोल्ट, रिटर तथा रिचथोफेन के अध्ययनों में मिलता है। हेटनर ने क्षेत्रीय विभिन्नता को स्पष्ट करते हुए लिखा था कि भूगोल पृथ्वी के क्षेत्रों का ज्ञान है और ये क्षेत्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यानी कि फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता बिडाल डी ला ब्लास के अनुसार कहा गया है कि भूगोल स्थानों का विज्ञान है और स्थानों में विभिन्नता पाई जाती है। ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं की एक समिति ने 1950 ईस्वी को
यानी कि इस बी में भूगोल की परिभाषा करते हुए लिखा था कि भूगोल वह परिभाषा है, यानी कि भूगोल वह विज्ञान है जो क्षेत्रीय विभिन्नता तथा उसके संबंधों के संदर्भ में पृथ्वी तल का वर्णन करता है। वही हमारा क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, भूगोल होता है। यानी कि भूगोल को परिभाषित करते हुए उन्होंने लिखा था, यानी किसने लिखा था, यानी कि ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं की एक समिति ने, जो 1950 ईस्वी में कहा है, 1950 ईस्वी में लिखा है कि भूगोल वह विज्ञान है जो क्षेत्रीय विभिन्नता तथा उसके सदस्यों के संदर्भ में पृथ्वी तल का वर्णन करता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्षेत्र वर्णनी विज्ञान क्या है, यानी कि क्षेत्र वर्णनी विज्ञान क्या है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्षेत्र वर्णनी विज्ञान क्या है। इसमें आप लिखेंगे कि भूगोल के का, यानी कि भूगोल को क्षेत्र वर्णनी यानी कि विज्ञान के रूप में प्रतिपादित करने का श्रेय जर्मनी के दो भूगोलवेत्ताओं, यानी कौन कौन से, पहला तो आपका आता है दोस्तों, कौन सा आता है, रिचथो फेन, यानी कौन सा आता है आपका, रिचथो फेन, यानी कि रिचथो फेन का आता है। और दूसरा आपका आता है किसका, और दूसरा जो आपका आएगा वो उनका आएगा, किसका आएगा, हेटनर का, यानी कि दूसरा किसका आएगा, हेटनर का, यानी कि पहला आपका आता है रिचथोफेन का और दूसरा आपका हेटनर का। फिर रिचथोफेन ने भूगोल का क्षेत्र वर्णनी विज्ञान बताया था कि अर्थात भूगोल में पृथ्वी का क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन कराया, यानी कि जो क्षेत्रीय भूगोल में जो क्षेत्रीय विभिन्नता है उसको आपको यहाँ पे लिखना था। अब बात करेंगे दोस्तों हेटनर ने, यानी कि हेटनर दूसरा आपका हेटनर आता है, हेटनर ने 1905 ईस्वी में भूगोल की परिभाषा करते हुए लिखा था कि भूगोल पृथ्वी का क्षेत्रीय विज्ञान है, इसमें क्षेत्रों का अध्ययन उनकी विभिन्नताओं और समस्थानिक, यानी कि और उसके स्थानीय संबंधों के प्रसंग में होता है। तो ये आपका क्षेत्रीय वर्णनी विज्ञान के अंतर्गत आपका क्वेश्चन आता है। अब बात करेंगे हेटनर का, यानी क्या लिखेंगे आपको यहाँ पे, आप आएगा हेटनर का योगदान, यानी कि हेटनर का योगदान क्या है, इसमें आपको हम बताएंगे हेटनर का योगदान। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका, अब आपका आएगा दोस्तों हेटनर का योगदान, हेटनर के योगदान में आपको लिखना है कि हेटनर ने भूगोल के सभी पक्षों में, पहला प्राकृतिक, यानी कि पहला आपका आता है प्राकृतिक, दूसरा मानव, तीसरा आर्थिक और चौथा आपका आता है राजनीतिक, प्रादेशिक, भौगोलिक आदि पर प्रचुर योगदान दिए हैं। हेटनर ने भूगोल को सुदृढ़ सैद्धांतिक एवं वैज्ञानिक आधार प्रदान करने एवं समकालीन किसी भूगोलवेत्ता की अपेक्षा अधिक कार्य किया है। अब उनके जो मेन पॉइंट है दोस्तों, इसमें आपको लिखना है कि अपने द्वारा संपादित भूगोल पत्रिका को 1895 ईस्वी में प्रकाशित प्रथम लेख से लेकर 1927 ईस्वी तक पुस्तक रूप में प्रकाशित, यानी भूगोल यानी उसका इतिहास, स्वरूप एवं विधियां तक हेटनर निरंतर संपूर्ण विज्ञान के संदर्भ में भूगोल का विशिष्ट योगदान तथा इसके अध्ययन दृष्टिकोण में विशेष क्षेत्र स्पष्ट करने में लगे रहे। तो ये आपका हेटनर का योगदान है, यानी कि मेन आपका क्या आता है, पहला आपका आता है दोस्तों प्रकृति, दूसरा मानव, तीसरा आर्थिक में, चौथा राजनीतिक धन की राजनीतिक में, और पांचवा आपका आता है भवन की प्रादेशिक भौगोलिक आदि पर इन्होंने प्रचुर मात्रा की पूर्ण रूप से इन्होंने क्या योगदान दिया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हृदय स्थल का सिद्धांत, यानी हृदय स्थल का सिद्धांत क्या है। इसमें आपको लिखना है हृदय स्थल का सिद्धांत में, इसमें आपको लिखना है कि मैकिंडर के अनुसार प्राचीन दुनिया के तीन महाद्वीपों जो कि यूरोप, एशिया एवं अफ्रीका को मिलाकर एक विश्व द्वीप बनता है, यानी कि मैकिंडर के अनुसार कहा गया है कि प्राचीन दुनिया के तीनों महाद्वीप जो हैं वो आपका जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका को मिलाकर एक विश्वद्वीप बनता है। तो इस विश्वद्वीप के 12
यानी कि इस द्वीप के बाहर क्षेत्रों को सुदूर बाहरी क्षेत्र कहा गया है। विश्व द्वीप में संपूर्ण विश्व का 25% यानी क्या होता है 25% जनसंख्या निवास करती है। विश्व के बाह्य क्षेत्रों में यही जनसंख्या प्रवासित तो होती है रही। विश्व द्वीप के मध्यवर्ती एवं आंतरिक स्थल को हम हृदय स्थल बताया, यानी कि विश्व द्वीप के जो मध्यवर्ती और आंतरिक स्थल को हम क्या कहते हैं हृदय स्थल का सिद्धांत कहते हैं। यानी कि यह भाग उस कठिनाइयों में पहुंच वाला भाग हो गया है। इसके अंतर्गत मध्य एशिया का अंतर्गर्वाही प्रदेश एवं आर्कटिक प्रदेश सम्मिलित किया गया है। सन 1919 में मैकेंडन ने इसमें पूर्वी यूरोप यानी कि यूरोपीय यूरोस यानी कि यूरोपीय रूस को भी सम्मिलित किया। इसी प्रकार सहारा के दक्षिण के मध्य अफ्रीका भाग को भी अफ्रीका यानी कि गौड़ हृदय स्थल माना गया है। अब आपका आता है कांट, यानी कि क्या आता है दोस्तों कांट की उत्पत्ति यानी कि कांट की पृथ्वी उत्पत्ति सिद्धांत। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कांट के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे आपको, कांट की जो यानी कि इनका पृथ्वी उत्पत्ति सिद्धांत है उसके बारे में बताएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा आपको लिखना है कि कांट ने आंसर में लिखेंगे कांट ने 1755 ईस्वी में यानी कि यहाँ पे आप लिखेंगे 1755 ईस्वी में पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी परिकल्पना प्रस्तुत किया है। उसके अनुसार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मांड में दैवीय पदार्थ जो कठोर व गतिहीन थे बिखरे हुए थे। कालांतर में आकर्षण के कारण आपस में टकराने से इनमें ताप व गति उत्पन्न हुई। इसकी अभिवृद्धि से वह यानी कि वायव्य राशि को परिवर्तित हुआ और अंततः निहारिका के रूप में बदल गया। इस निहारिका के अति तीव्र गति में भ्रमण करने के कारण अपकेंद्रीय बल बढ़ गया जिससे क्रमशः छल्ले निकलने आरंभ हो गए। इन्हीं से ग्रहों की उत्पत्ति हुई और अवशिष्ट पदार्थ सूर्य के रूप में बच गया। फिर आप आता है प्रादेशिक भूगोल क्या है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यानी कि प्रादेशिक भूगोल क्या है। इसमें आपको थोड़ा लिखना है कि प्रादेशिक भूगोल क्या है। अब आप लिखेंगे दोस्तों प्रादेशिक भूगोल में इसमें समस्त पृथ्वी का अध्ययन एक साथ के बजाय पृथ्वी तल को मिलती जुलती समान भौगोलिक दशाओं वाले समांगी प्रदेशों में बांट लिया जाता है जिनमें से प्रत्येक क्षेत्र के अंदर भौगोलिक दशाएं प्रायः मिलती जुलती सी हैं तथा प्रत्येक प्रदेश में किसी प्रकार की आंतरिक संबद्धता होती है और प्रत्येक प्रदेश में भूगोल के विभिन्न तत्वों को उस समस्त क्षेत्र में कैसा रूप है यह अध्ययन किया जाता है यानी कि प्रादेशिक सीमांकन कई आधारों पर किया जाता है। यही हमारा क्या होता है प्रादेशिक भूगोल है। यानी कि प्रादेशिक भूगोल क्या है दोस्तों, यानी पृथ्वी तल को मिलती जुलती समान भौगोलिक दशाओं वाले समांगी प्रदेशों को हम आपस में बांट लेते हैं। यही हमारी क्या होती है यानी कि क्या होती है प्रादेशिक भूगोल होता है। अब बात करें खंडवा, खंडवा से आपके प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो आपको बताएंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, इसमें आपको करने हैं 200 शब्दों में क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका दूसरा आता है इसमें कि भूगोल में हेटनर के योगदानों का वर्णन कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि भूगोल में हेटनर के योगदानों का वर्णन कीजिए। अब इसमें आपको हम बताएंगे कि हेटनर का योगदान क्या रहा। तो हेटनर के योगदानों के मैं आपको थोड़ा बहुत बताएंगे, यानी कि इससे पहले मैंने आपको हेटनर के सिद्धांत के बारे में बताया था। अब इसमें आपको लिखना है दोस्तों कि हेटनर ने भूगोल के सभी पक्षों में यानी कि प्राकृतिक मानव आर्थिक राजनीतिक प्रादेशिक भौगोलिक आदि पर प्रचुर क्या हुआ योगदान दिए। हेटनर ने भूगोल को सुदृढ़ सैद्धांतिक एवं वैज्ञानिक आधार प्रदान करने में अपने समकालीन किसी भी भूगोलवेत्ताओं की अपेक्षा अधिक कार्य किया। हेटनर का सर्वप्रमुख योगदान भूगोल का स्वरूप स्पष्ट करना था। अपने द्वारा संपादित यानी भूगोल पत्रिका जो कि 1895 में यानी कि
प्रकाशित यानी कि प्रकाशित प्रथम लेख से 1927 ईस्वी यानी कि पुस्तक रूप में प्रकाशित यानी भूगोल उसका इतिहास स्वरूप एवं विधियां तथा तक हेटनर निरंतर संपूर्ण विज्ञान के संदर्भ में भूगोल का विशिष्ट योगदान तथा अध्ययन दृष्टिकोण एवं विषय क्षेत्र में स्पष्ट करने में लगे रहे। 1927 ईस्वी में प्रकाशित उक्त पुस्तक में प्रथम भाग में प्राचीनतम काल के से प्रारंभ करके क्रमशः ग्रीक रोमन सभ्यता युग यानी कि अंध युग पुनर्जागरण एवं ज्ञानोदय हम्बोल्डट एवं रीटर के योगदान तथा समकालीन युग में भूगोल की प्रगति की समीक्षा। इसका दूसरा भाग जो सबसे महत्वपूर्ण है भूगोल के स्वरूप एवं भूगोल के उत्तरदायित्व यानी कि संपूर्ण ज्ञान की उपलब्धि के प्रसंग में का विवेचना करता है। अब यहाँ पे हम तीसरे भाग में भूगोल में शोध विधि की पर प्रकाश डाला गया है जिसके क्रमशः निम्न चरण बताए गए हैं। पहला तो आपका आता है अन्वेषण अर्थात अध्ययन क्षेत्र का सामान्य परिचय। दूसरा आपका आता है दोस्तों अवस्थित निर्धारता मानचित्र निर्माण। तीसरा आपका आता है भौगोलिक दृष्टि से तथ्यों का अवलोकन। फिर चौथा आपका आता है उपलब्ध मानचित्रों पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का अध्ययन। फिर पाँचवा आपका आता है उत्पत्ति मूलक अंतर संबंधों यानी कि कारकों को छानबीन। फिर चौथा आपका है प्रादेशिक अंतर संबंधों का विवेचना। फिर सातवां आप लिखेंगे भूगोल के विभिन्न तत्वों यानी कि ठोस धरातल जलवायु जन यानी कि वनस्पति एवं जीव जंतु तथा मानव का विश्लेषण। फिर आठवां आपका आता है दोस्तों कि प्रदेश यानी कि प्रदेशों के सौंदर्य परक एवं यानी कि व्यवहारिक उपयोगिता का विवेचना। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भूगोल की संकल्पनाएँ। हेटनर भूगोल की विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट स्वरूप का निरूपण करने वाला विज्ञान मानते हैं। उनकी यह संकल्पना निम्न मान्यताओं पर आधारित है। क्या होता है ये भूगोल की संकल्पनाएं आपको बताएंगे यानी कि नंबर एक आपका आता है दोस्तों संकल्पनाएं में क्या आता है इसमें आएगा व्यवहारिक दृष्टिकोण की प्रधानता। दूसरा आपका आता है जगत का वास्तविक ज्ञान विज्ञानों का लक्ष्य है। तीसरा किसी विषय की विशिष्टता ठोस अध्ययन वस्तु के आधार पर बनती है यानी भूगोल की प्रकृति एवं विषय वस्तु के संबंध में हेटनर विचार को संक्षेप में निम्न प्रकार बताया। पहला भूगोल एवं क्षेत्र विश्लेषण कार्य करने वाला विज्ञान उसकी विषय वस्तु विभिन्न स्तर या प्रदेशों के विशिष्ट स्वरूप का निरूपण है। दूसरा कथा प्रादेशिक समाकल अर्थात भौतिक तत्वों में परिपूर्ण किसी क्षेत्र की विशिष्टता मात्र एक दृष्टिकोण अथवा अध्ययन विधि नहीं वरन ठोस अध्ययन विषय है। फिर आपका आता है नेक्स्ट दोस्तों प्रादेशिक समाकलन की भौतिक तत्वों में परिपूर्ण क्षेत्र के स्वरूप पर केंद्रित होता है। इन भौतिक तत्वों के अंतर्गत प्राकृतिक जैविक एवं मानवकृत सभी प्रकार के तत्व भी शामिल हैं। फिर आपका आता है भूगोल में प्रादेशिक समाकल के उद्देश्य में उन्हीं तत्वों को शामिल किया जाता है जिनकी महत्वपूर्ण क्षेत्रीय भिन्नता मिलती है और पृथ्वी के चुंबकत्व अथवा सूक्ष्म जीवाणुओं पर भूगोल पर ध्यान नहीं दिया जाता है। नंबर सा आपका नेक्स्ट आता है चौथा किसी विज्ञान की किसी भौतिक तत्व के भूतल वितरण अध्ययन भूगोल का अभिन्न अंग नहीं है। किसी तत्व का वितरण यानी कि प्रतिरूप का अध्ययन संबंधित क्रमबद्ध विज्ञान का विषय है। जैसे किसी विशेष प्रकार की वनस्पति का वितरण और वनस्पति शास्त्र का अध्ययन विषय है। तो इस तरीके से आपका दूसरा यानी कि भूगोल में जो हेटनर का योगदान का वर्णन रहा वो आपको बताया। फिर तीसरा क्वेश्चन था भूगोल का अन्य भौतिक विज्ञानों के साथ संबंध बताया यानी कि भूगोल के अन्य भौतिक संबंध बताया विज्ञान भौतिक विज्ञानों के साथ संबंध बताइए। अब आपका तीसरे क्वेश्चन में आप लिखेंगे कि भूगोल भूपटल की घटना भूदृश्यों यानी कि दृश्यों की मानव पर्यावरण संबंध में परिप्रेक्ष्य में विवेचना करता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भूगोल का अध्ययन क्षेत्र में उन उप विषयों का भी समावेश है जो दूसरे अनुशासनों के अंग हैं। फलतः भूगोल आज एक अंतरा अनुशासित विषय बन गया है। प्रत्यक्ष रूप से यह निम्नलिखित से जुड़ा है। पहला तो आपका था दोस्तों इसमें भूगोल तथा खगोल विज्ञान सौरमंडल पृथ्वी की गतियां तथा ग्रहीय संबंध यानी कि सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण आदि विषयों का अध्ययन खगोल विज्ञान तथा भूगोल दोनों में ही अतः होता है। अतः इन दोनों निकटवर्ती संबंध
है। फिर आपका दूसरा का आता है दोस्तों भूगोल तथा भूविज्ञान। आपको इसमें बताया जाएगा भूगोल एवं भूविज्ञान में आपका आएगा इसमें कि भूगोल की भात भूविज्ञान में भी चट्टानों के वितरण यानी कि नदियाँ पर्वत चट्टान मैदान अपक्षय अपरदन आदि घटनाओं का अध्ययन होता है, इसलिए भूगोल का भूविज्ञान के संबंध हैं। फिर तीसरा आपका आता है दोस्तों कि भूगोल तथा भौतिक विज्ञान, इनमें भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र जंतु शास्त्र व वनस्पति शास्त्र में सम्मिलित है। भूगोल में उन सभी सिद्धांतों का उपयोग होता है जो भौतिक विज्ञान से संबंधित हैं, जैसे ज्वार भाटा की उत्पत्ति भौतिक शास्त्र के सिद्धांतों पर, फिर चट्टानों की रासायनिक संरचना जो रसायन शास्त्र पर, जंतुओं व वनस्पति के वितरण जो जंतु व वनस्पति शास्त्र पर आधारित है। चौथा आपका आता है दोस्तों कि भूगोल तथा ऋतु विज्ञान एवं जलवायु विज्ञान, किसी प्रदेश में जीवन अथवा क्रियाकलापों पर जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जलवायु के अनुसार ही वनस्पति जीव जंतु होते हैं, इसलिए भूगोल के अध्ययन में ऋतु एवं जलवायु का विश्लेषण आधारभूत होता है। फिर आपका नेक्स्ट आता है कि भूगोल तथा समुद्र विज्ञान, किसी प्रदेश के जल संसाधनों तथा जल शक्ति की क्षमता और विकास का अध्ययन भी भूगोल होता है। बंदरगाहों तथा समुद्र ही परिवहन यानी कि ज्वार भाटा धाराएं आदि विस्तृत अध्ययन भूगोल का मुख्य विषय रहा है। फिर चौथा आपका आता है दोस्तों मैगलन की प्रसिद्ध भौगोलिक यात्रा की वर्णन कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपके, यानी कि मैगलन के बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। मैगलन की जो क्या थी प्रसिद्ध भौगोलिक यात्रा के रूप में जो थी वही आपको यहाँ पे लिखना है। तो बढ़िया क्वेश्चन है, जिसको आता है वो लोग जरूर कुछ अपना एक टिप्पणी लिखिएगा यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, और जिसको थोड़ा बहुत आपको आता है यानी कि मैगलन जी कहाँ के निवासी थे और ये सारी चीज़ें अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करते रहिए साथ साथ। अब बात करेंगे यहाँ पे आपको मैगलन की जो भौगोलिक यात्रा है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताएंगे। यहाँ पे आपको लिखना है कि इस युग में कोलंबस तथा वास्को डिगामा के पश्चात तीसरा सबसे बड़ा अन्वेषक जो हुआ वो कौन था, वो मैगलन हुआ। मैगलन को भी पश्चिम दिशा से एशिया पहुँचने का उत्कृष्ट इच्छा थी। वह भी कोलंबस की भांति पुर्तगाली शासकों को अपना अभियान की सार्थकता का विश्वास दिलाने में असमर्थ रहा, परंतु 1518 ईस्वी में स्पेन का राजा उसकी यात्रा के लिए प्रबंध करने की राजी हो गया और दक्षिणी के उत्तरी भाग को पता लगाने वाले विभिन्न अन्वेषकों के अनुभव का लाभ उठाते हुए मैगलन इस महाद्वीप के पार जाने का रास्ता ढूंढने लगा। वहीं 5 जीर्ण जहाज़ों के बेड़े के साथ रवाना हुआ। ब्राज़ील तक के किनारे 1520 ईस्वी के जाड़े की ऋतु में उसका बेड़ा पेंटागोनिया तक पहुंच गया और 15 अक्टूबर 1520 को अंततः हुआ दक्षिण अमेरिका के अफ्रीकी यानी कि आखिरी छोर पर पहुंचा और वहां से उत्तर पश्चिम दिशा से आगे बढ़ा। 360 मील की लंबाई व उस जलसंधि को जिसका नाम मैगलन ही पड़ गया पार करने से उसके बेड़े 33 दिन लगे, क्योंकि अति तीव्र गति से चलने वाली पछुआ हवा यानी कि गरजता चलीसा के कारण जहाज़ों की गति अति मंद थी। वहां से प्रशांत महासागर में उत्तर पश्चिम से 98 दिन की यात्रा का पश्चात हुआ गुआम द्वीप पहुंच सका। इस अवधि में उसके कितने ही नाभिक स्कर्वी से पीड़ित होकर चल बसे और इस द्वीप से खाने पीने का सामान एकत्र करके मैगलन पुनः आगे बढ़ा और 7 अप्रैल 1521 ईस्वी को हुआ फिलीपींस द्वीप समूह पहुंच गया और 21 अप्रैल को फिलीपींस के आदिवासियों से झगड़े में वह मारा गया। अब उसके बेड़े का एकमात्र जहाज बचा था। इस जहाज का नेतृत्व कार्नो ने संभाला। कार्नो ने मोलुक्का द्वीप में लॉन्ग से अपना जहाज भरा हिंद महासागर होते हुए अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर 30 जुलाई 1522 ईस्वी को अपनी यात्रा पूरी की। मैगलन भी उसकी एक पूर्व यात्रा में अरब सागर ने हिंद महासागर के रास्ते मोलुक्का द्वीप तक आ चुका था। इस प्रकार मैगलन पहला अन्वेषक था जिसने पृथ्वी का चक्कर लगाया। पृथ्वी की इस परिक्रमा के साथ ही इसे बड़े अन्वेषक यात्रा युग का अंत हो गया।
और पृथ्वी की गोलाकृति निसंदेह सिद्ध हो गई। तो इस तरीके से मैकलेंजी का क्या था, ये इनका जो पृथ्वी का चक्कर लगा है वो सारी चीज़ें। और आपको कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में ये लिखना है कि मैगलन कहाँ का निवासी था और इनका जन्म कब हुआ। तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तभी आप जान पाएंगे कि आप लोग मैगलन के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों ने स्टडी किया है। अब आपको बताएंगे दोस्तों पाँचवा क्वेश्चन, यानी कि पाँचवें क्वेश्चन में आपका आएगा कि भूगोल के विकास में रोमन भूगोलवेत्ताओं के योगदानों का संक्षेप में बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका। यूनेन यानी कि आपका ये होगा क्वेश्चन, यूनानी आप लिखेंगे, यूनानी साम्राज्य के पतन के बाद रोमन साम्राज्य बोलबाला हुआ, यानी कि रोमन विद्वान दार्शनिकता एवं वैज्ञानिकता में यूनानियों से कम थे किंतु उसमें क्रियात्मकता अधिक थी। उसका मुख्य संबंध क्या था, व्यापार था, क्या था, व्यापार था। प्रशासनिक समस्याओं एवं अन्य सैनिक विजय की योग यानी कि योजनाओं से था। रोमन भूगोलवेत्ताओं का जो प्रमुख योगदान निम्न क्षेत्रों में था, पहला था दोस्तों उनका, पहला था उनका कि रोमन भूगोलवेत्ताओं ने अपने काल में ही यानी कि अपने काल में की गई यात्राओं से वर्णन लिखे। दूसरा आपका आता है दोस्तों कि पृथ्वी तल पर प्रमुख स्थानों की सूचियां अक्षांश तथा देशांतरों सहित तैयार की गई। तीसरा आपका आता है पृथ्वी की आकृति आकार और सौरमंडल के पिंडों यानी कि पिंडों से उनके संबंधों के बारे में कल्पनाएं करने के बजाय भूतल के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करने पर अधिक बल दिया। चौथा आपका आता है कि रोमन भूगोलवेत्ताओं का ध्यान सिद्धांत के बजाय क्रियात्मकता में अधिक था। जो प्रमुख रोमन भूगोलवेत्ता थे तो पहले तो थे आपके स्ट्रैबो, दूसरे आपके थे मेला एवं तीसरे क्या थे, पिलनी। यानी इनमें स्ट्रैबो का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। उसने यूनानी भाषा में भौगोलिक ग्रंथ लिखा। इन्होंने बसे हुए संसार यानी कि ज्ञान भाग का 17 पुस्तकों में एक भौगोलिक विश्वकोश के रूप में संकलित किया था। स्ट्रैबो ने भी भूगोल की परिभाषा दी तथा उसके उद्देश्य बताते हुए उसने प्रादेशिक भूगोल, जनसंख्या स्थानांतरण, विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या की विसंगमांगता एवं समांगता की भौगोलिक दिशाओं को बताया था। भौतिक में यानी कि भौतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल एवं प्रादेशिक भूगोल पर विस्तृत विचार स्ट्रैबो ने दिया। फिर मेला स्पेनिश भूगोलवेत्ता थे। उसकी पुस्तकें यानी कि उसकी पुस्तक के दो खंड यानी कि आपका तो पहला तो कॉस्मोग्राफी एवं डी कारो यानी कि डी कारोग्राफिया थी। डी कारोग्राफिया में पृथ्वी की यानी कि पृथ्वी को 5 बड़े खंडों में विभाजित करके उत्तरी यानी कि उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्र का विस्तृत भौगोलिक वर्णन किया गया। फिर आपका था पिलनी की प्रसिद्ध पुस्तक, इनका प्रसिद्ध पिलनी जी का प्रसिद्ध पुस्तक है प्राकृतिक इतिहास, जिसके 27 खंड हैं। इसके विभिन्न खंडों के पृथ्वी के आकार यानी कि आकृति, धरातल, ऋतुओं, विभिन्न देशों के प्राकृतिक वर्णन, जीव जंतु, मानव विज्ञान तथा वनस्पति शास्त्र का वर्णन किया गया है। तो इस तरीके से आपका भूगोल के विकास में जो रोमन भूगोलवेत्ताएँ थे उनके बारे में यहाँ पर आपको मैंने बताया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे छठवां में गणितीय भूगोल के विकास में टॉलमी के योगदानों और प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों के आंसर डाल के आप लोग यानी कि क्या लिखना है आपको, इसमें इसमें आप आंसर डालेंगे और लिखेंगे कि गणितीय भूगोल में टॉलमी का योगदान। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अब आपका होगा गणितीय भूगोल के क्षेत्र में टॉलमी का मुख्य कार्य प्रक्षेपों की रचना करना था। भूगोल में उसकी व्याख्या था यानी कि उसकी विख्यात जो थी वो ग्रंथमाला जियोग्राफिया यानी कि 8 खंडों में प्रकाशित हुई थी। उसके प्रथम ग्रंथ में मुख्यतः सैद्धांतिक नियम है जिनमें ग्लोब की रचना और मानचित्र का प्रभेद भी सम्मिलित है। दूसरे से सातवीं पुस्तक तक लगभग 8000 स्थानों यानी कि क्या था आपका 8000 स्थानों के
के नाम और उनकी स्थिति निश्चित करने वाले अक्षांशा देशांतर दिए गए हैं। आठवां ग्रंथ सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें मानचित्र कला के सिद्धांतों का विवेचना किया गया है तथा गणितीय भूगोल यानी कि प्रक्षेपों और खगोलिकी के वेदों को समझाया गया है। फिर आप लोग का नेक्स्ट हेडिंग आएगा अक्षांश और देशांतरों का प्रयोग, यानी कि अक्षांश और देशांतरों का प्रयोग कैसे किया गया है। यद्यपि ईसा से 125 वर्ष पूर्व यूनानी भूगोलवेत्ता हिप्पार्कस ने पृथ्वी के निर्देशांकों को बात समझाई थी, फिर भी ईसा के 125 वर्ष बाद अक्षांश और देशांतर रेखाओं की एक वैज्ञानिक प्रणाली को प्रतिपादित करने का श्रेय जो है वो टॉलमी को ही है। इस दृष्टि में उनका भूगोल पर 8 खंडों में लिखा गया ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आपका आता है दोस्तों नेक्स्ट रूपांतरित शंक्वाकार प्रक्षेप। फिर आपने इसमें आपको लिखना है कि टॉलेमी का विश्व मानचित्र रूपांतरण शंक्वाकार प्रक्षेप पर बना हुआ है, जो शंक्वाकार होता है उस प्रक्षेप में बना हुआ है। इसमें विषुवत रेखा से उत्तर दक्षिण की दूरियां अर्थात अक्षांशों के डिग्रियों में दाहिनी बाएं यानी कि दाहिनी बाईं और दिखाया गया है। अब आपका नई प्रक्षेप आ गया नेक्स्ट हेडिंग, इसमें आप लिखेंगे कि टॉलेमी के एक गणितीय भूगोल यानी कि टॉलेमी की एक गणितीय भूगोल की पुस्तक में प्रक्षेपों की विधियाँ दी गई हैं। इसका यानी कि उसकी एनालेमा पुस्तक में यानी कि कौन सी एनालेमा पुस्तक में लंब कोणीय प्रक्षेप के द्वारा पृथ्वी के ग्लोब को प्रदर्शित करने के तीन भेद यानी कौन कौन से क्षैतिज तल देशांतरीय तल एवं उदग्र तल समझाए गए हैं। दूसरा उदाहरण होता है कि विभिन्न प्रक्षेप का जो दक्षिणी ध्रुव को क्या होता है दक्षिणी ध्रुव को केंद्र बनाया गया है। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा टॉलेमी का प्रभाव। नेक्स्ट हेडिंग में आप लिखेंगे कि टॉलेमी की कल्पनाओं से कई महत्वपूर्ण लाभ हुए। उदाहरण के लिए जब कोलंबस का को यह मालूम हुआ कि एशिया महाद्वीप का विस्तार पूरब की ओर बहुत दूर तक है तो उसने गोल पृथ्वी पर भारत पहुंचने के लिए पश्चिम और समुद्री यात्रा पर स्थान कर दिया। वह भारत तक नहीं पहुंच सका किंतु नई दुनिया की खोज कर ली। टॉलेमी ने हिंद महासागर के दक्षिण में एक महाद्वीप की कल्पना की थी और 18वीं शताब्दी में कैप्टन कुक ने अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज की थी। उसके बाद में फिर आपका आता है दोस्तों, तो इस तरीके से गणितीय भूगोल के जो टॉलेमी थे ये उनकी जो टॉलेमी का प्रभाव था उस ये आपका उनका प्रभाव था। तो इस तरीके से आपका यानी कि टॉलेमी का जो प्रभाव था उसके बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद में फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, यानी कि आपका नेक्स्ट खंड आता है खंड सा। खंड सा में आपका आता है, इनमें आपको केवल किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देना है। कौन कौन से? पहला तो आपको खंड इसको खंड सा में किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में होना चाहिए, तो ये आपका 500 शब्दों में करना है। ये आपका सातवां क्वेश्चन हो गया। सातवें में आपको लिखना है कि कुमारी सैंपल अथवा जीन ब्रूंस के भौगोलिक योगदानों का वर्णन कीजिए। तो बढ़िया क्वेश्चन यह भी है। अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है जो कि आपको टेलीग्राम चैनल से PDF फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। तो और अगर इसको दोस्तों मैं बता दूं कि जो इसका जो आपको वीडियो मिलेगा वो आपको केवल इसे यानी कि सेक्शन सी का यानी खंड सा का अलग से मैं वीडियो बना दूंगा क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें थोड़ा थोड़ा मैं आपको ज़रूर बताते चलेंगे क्योंकि इसको आपको थोड़ा समझने में थोड़ा कठिनाई होगी। इसमें सारी चीज़ें आपको बताने में थोड़ा असमर्थ होंगे क्योंकि समझ में भी नहीं आएगा और सारी चीज़ें अलग तरीके से बताई भी जाएंगी। लॉन्ग होने की वजह से आपको पूर्ण रूप से बताया नहीं जा सकता है। अब कुमारी सैंपल जी की जो रचना है योगदान है उसके बारे में बताएंगे थोड़ा बहुत। कुमारी सैंपल जो है एलन चर्चिल जो एलन है वो चर्चिल सैंपल जो अमेरिकी भूगोलवेत्ता थी, ये कहाँ की थी सैंपल जी, वो अमेरिकी भूगोलवेत्ता थी एवं प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेत्ता रेडजेल की शिष्या थी। ये किसकी थी? ये रेडजेल की क्या थी? शिष्या थी। इस प्रकार इन्होंने यूरोप एवं अमेरिका की भौगोलिक विचारों से सेतु का कार्य किया और ये रेडजेल के विचारों पर प्रभावित थी। तो दूसरी ओर डेविस की भूगोलवेत्ता
ने भूगोल की संकल्पनाओं का इन पर गहरा प्रभाव पड़ा। कुमारी सैंपल ने 3 पुस्तकें लिखी थी जो निम्न है। नंबर 1 तो पहला आपका आता है अमेरिकी का इतिहास यानी इसकी भौगोलिक दशाएँ जो कि क्या होती है 1903 में इन्होंने किया है। फिर आपका आता है दोस्तों भौगोलिक वातावरण का प्रभाव जो 1911 में है। और तीसरा आपका आता है भूमध्य सागरीय प्रदेश का भूगोल जो 1913 में है। फिर आपको बताएंगे जीन ब्रूंस के बारे में कि जीन ब्रूंस जी का क्या योगदान था। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं में जीन ब्रूंस दूसरा महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता था जो ब्रूंस की भौतिक यानी कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण पुस्तक यानी कि मानव भूगोल यानी कि ज्योग्राफिकल ह्यूमनेटिव थी जिसका प्रकाशन जो हुआ 1910 ईस्वी में हुआ। इनके पश्चात पुस्तक में समय समय पर संशोधन एवं संवर्धन हुआ और इस वस्तु के यानी कि इस पुस्तक की विषय वस्तु निम्न प्रकार से थी। पहला प्रथम खंड में यानी कि मानव द्वारा पृथ्वी के प्रयोग में बहुत से विषयों की विवेचना है। मकानों के प्रकार गांव और नगरों की स्थिति उनकी प्रकृति का विकास का वर्णन इस संसार के परिवर्तित रूपों में बताया गया है। दूसरा पथ है दूसरे खंडों में मानव द्वारा वनस्पति जगत और पशु जगत पर विषय और अनुकूलन का तथा कृषि की विभिन्न यानी कि विधियों का वर्णन है। तीसरे में आपका आता है दोस्तों तीसरे खंडों में मानव द्वारा खनिज को निकालने के कार्य को लूटने यानी कि कार्य को लूटने की अर्थव्यवस्थाएं कहकर वर्णन किया गया है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत बताया है और इसका आप लोग को मैं एक अलग वीडियो अपडेट करा दूंगा जो कि आपको थोड़ा समझने में और पढ़ने में आसानी होगी। तो जो छोटा था मैंने आपको सेक्शन बी भी करवा दिया, सेक्शन ए यानी कि खंड आ भी करवा दिया, खंड बाग भी करवा, खंड सा में कुछ आपको मैं बता दिया। अब बात करेंगे आपका नेक्स्ट में आठवां आपका आता है भूगोल के विकास में रिस्थोपन के योगदानों का विवरण किया है। रिस्थोपन के योगदान के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो जो भी क्वेश्चन आपको आता है ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में आपको हर तरीके से अपडेट करा दिया गया है कि जिससे कि आप लोगों को थोड़ी दिक्कत ना आए। यहाँ पे आपको हम रिस्थोपन के बारे में थोड़ा बहुत बता देंगे। इसमें हम आपको बताएंगे रिस्थोपन के कार्य में यानी कि इनका पूरा नाम है फर्डिनेंड वान रिस्थोपन यानी कि रिस्थोपन 1833 में यानी कि 1833 ईस्वी में ये सिलेसिया प्रांत में स्थित फार्ल्स यानी कि कार्लसरू नगर के एक रईस परिवार में पैदा होते। इन्होंने भूमिका का विशेष अध्ययन दिया यानी कि भौमिकी के का विशेष अध्ययन दिया। 1860 में उसमें इन्होंने शोध यात्री दल के साथ पूर्वी एशिया की यात्रा की। उसी समय अमेरिका में कैलिफोर्निया में सोने के विशाल भंडार का पता चला था तथा अधिकांश संख्या में लोग सोना प्राप्त करने के चक्कर में कैलिफोर्निया की ओर दौड़ पड़े। अमेरिका की यह जन प्रवाह स्वर्ण दौड़ के नाम से विख्यात हुआ। ज्वालामुखी से उत्पन्न आग्नेय चट्टानों तथा स्वर्ण धातु के महासमुद्र के सह संबंध में अवरुद्ध होने के कारण रिस्थोपन भी कैलिफोर्निया की ओर आकर्षित हुए। वहां उन्होंने सोना प्राप्ति की संभावना की खोज की और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वे सोना को इतना बड़ा भंडार नहीं हो सकता, अतएव सोना की खुदाई में इतना धन लगाना बुद्धिमानी नहीं है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे रिस्थोपन के बारे में थोड़ा जो योगदान है उसके बारे में बताया और इसे सारी वीडियो में आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। जो जो क्वेश्चन मैं आपको इंपॉर्टेंट समझ रहा हूँ वो आपको अलग से एक एक क्वेश्चन में अपडेट कराता जाऊँगा। फिर नवा क्वेश्चन आपका आता है अरब काल की भौगोलिक उपलब्धियों का वर्णन किया। ये भी आपको बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो अरब काल में पूछे जाते हैं क्वेश्चन में भौगोलिक जो अरब काल की जो भौगोलिक स्थितियाँ हैं उसके बारे में बताना है और इसके जो उपलब्धि हासिल हुए हैं उसके बारे में। फिर दसवां आपका क्वेश्चन है मैकिंडर के भौगोलिक योगदानों के संक्षेप में यानी कि मैकिंडर महाशय जी के जो भौगोलिक योगदान है उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। फिर ग्यारहवां क्वेश्चन आपका आता है कि भूगोल में यूनानी भूगोलवेत्ताओं के योगदानों का वर्णन कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका यानी कि यूनान के जो भूगोलवेत्ता हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको ज़रूर अपडेट करवा दूँगा अलग से एक एक क्वेश्चन में अपडेट करता रहूँगा जिससे कि आपको थोड़ा आसानी से समझ में आए और अच्छे से आप लोग पेपर क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंडों में जिससे कि दोस्तों
वो उनका भी अच्छे से पढ़ाई हो जाए। तो कंप्लीट करिए पढ़ाई को। इसी के साथ मैं अगली वीडियो के साथ जरूर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। और अगली वीडियो में इसका मैं कुछ अलग निचोड़ बताऊंगा, ये सारे क्वेश्चन मैं अपडेट करा दिया। दूसरे तो मैं अगले वीडियो में दूसरा मॉडल पेपर जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताएंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।